क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन फर्स्ट इफ NC8 इक्वल टू NC2 फाइंड NC2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है। ये C क्या है? कॉम्बिनेशन। मैंने तुम्हें बताया था कि कॉम्बिनेशन क्या है। अगर लिखा हो NCR तो इसका मतलब है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और n टू r फैक्टोरियल, यह है NCR। क्लियर है? अच्छा, NCR एक चीज, एक अलग फॉर्मूला है जो यहां लगेगा। NCR NC n माइनस r ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि NCR को सोल्व करोगे तो भी यही आएगा और NC n माइनस r को सोल्व करोगे तो भी यही आएगा। तो NCR हमेशा किसके बराबर होगा? NC n माइनस r के। NC8 बराबर होगा NC n माइनस 8 के। इस चीज को मैं इस क्वेश्चन में यूज कर लूंगा, इस फॉर्मूले को। सॉल्यूशन मुझे दिया NC8 इक्वल टू NC2, तो मैं NC8 की जगह लिखूंगा NC n माइनस 8 इक्वल टू NC2। अब देखो n की जगह NC की जगह C, n -8 की जगह क्या है? 2 है। therefore n -8 इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू -8 उधर जाके प्लस हो जाएगा, n इक्वल टू 10। तो ये n का तो आंसर आ गया 10। अब वो कह रहा फाइंड करो NC2 को, यहां कर देता हूं मैं। नाउ NC2 इक्वल टू n यानी 10C2। अब 10C2 को सॉल्व करेंगे 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, और अपॉन में 10 माइनस 2 यानी ये भी 8 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, आ गया आपका 5 मल्टीप्लाई 9 और ये 45 आपका आंसर आ गया है। क्लियर है? क्वेश्चन सेकंड कहता है डिटरमाइन एन। इसमें भी कहा है कि डिटरमाइन एन, एन फाइंड आउट करो। कब? इफ फर्स्ट पार्ट 2NC3 रेशो NC3 इक्वल टू 12:1। तो सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में ये NC3 n फैक्टोरियल अपॉन, अच्छा 2n माइनस 3 के साथ साथ 3 फैक्टोरियल भी था, कॉम्बिनेशन है ना, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ध्यान से लगाओ, अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 12/1। अब ये बड़ा डिवाइड का निशान है तो इसके नीचे वाला रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई, ये पलट के तो ये ऊपर आ जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 अपॉन n फैक्टोरियल, ये आ गया आपके पास। तो 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल, बच गया मेरे पास 2n फैक्टोरियल n माइनस 3। अब देखो इनमें क्या है, हम कैंसिल ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आप डिसाइड करो 2n और 2n माइनस 3 बड़ा कौन है, 2n है, तो जो बड़ा उसे खोल देंगे, छोटे तक लेके आएंगे। तो 2n फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, एक और एक एक छोटा करते हुए 2n माइनस 3, नीचे वाले जैसा आ गया तो फैक्टोरियल लगा के छोड़ दूंगा, अपॉन नीचे वाला 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई n माइनस 3 और n में बड़ा कौन है, n बड़ा है तो n माइनस 3 तो एज इट इज लिखूंगा, और नीचे n फैक्टोरियल की जगह मैं लिखूंगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल और इक्वल टू 12। अब देखो कैंसिल करूंगा मैं, n माइनस 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल, 2n माइनस 3 से ये कैंसिल। अब जो बचा इसे बहुत साफ सुंदर तरीके से यहां लिख लेते हैं, क्या बचता है ऊपर 2n, फिर ब्रैकेट में 2n माइनस 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2n माइनस 2, ऊपर और कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बचा n n माइनस 1 और n माइनस 2 इक्वल टू 12। ऊपर देखो ये 2 इंटू n है तो n से ये n कैंसिल, फिर ये जो 2n माइनस 2 है
इसमें से टू कॉमन ले लेंगे, वो टू बाहर आके फोर हो जाएगा, इस टू के साथ मल्टीप्लाई होगा फोर, बचा क्या टू एन माइनस वन, और यहाँ क्या बचा सिर्फ एन माइनस वन। नीचे भी एक एन माइनस वन है, एन माइनस टू भी है, लेकिन एन माइनस वन से एन माइनस वन कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एन माइनस टू उधर ट्वेल्व से मल्टीप्लाई, फोर इधर इन दोनों से, फोर टू जो एट एन माइनस फोर इक्वल टू ट्वेल्व एन माइनस ट्वेंटी फोर, तो माइनस फोर ये माइनस ट्वेंटी फोर इधर आ गए प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू ट्वेल्व एन, और एट एन उधर जाएगा तो माइनस एट एन, ट्वेंटी फोर माइनस फोर ट्वेंटी इक्वल टू फोर एन, एन इक्वल टू फाइव आपका आंसर है। हमने क्या किया ध्यान देना, हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा कि ये जो एक्सपेंड करने का है ना ये इम्पोर्टेंट है कि आप किसको ओपन करते हो और कहां तक ओपन करते हो ताकि कैंसिल आउट हो जाए, अगर ऐसा नहीं होता तो ये क्वेश्चन किसी भी तरह से सोल्व होना बहुत मुश्किल है, तो ये स्टेप जो पर्टिकुलर स्टेप है उसका ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, टू एन सी थ्री रेशो एन सी थ्री इक्वल टू इलेवन रेशो वन, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, आप इसे खुद होमवर्क में करोगे। नेक्स्ट थर्ड, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, सर्कल पे कितने पॉइंट है 21, कितनी कोड ड्रॉ कर सकते हो, एक कोड ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत है 2, तो आंसर में आ जाएगा 21C2, 21 पॉइंट्स हैं, एक कोड के लिए 2 पॉइंट, तो टोटल कितने सिलेक्शंस हो पाते हैं, कितने पॉइंट्स को सिलेक्ट करके कोड बढ़ा सकते हो 21C2। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, तो 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल इनटू 2 मल्टीप्लाई 1 कैंसिल, 2 से 10 यानी 210 आपका आंसर है, 210 कोड्स। क्वेश्चन 4, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ थ्री बॉयज, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ थ्री बॉयज एंड थ्री गर्ल्स बी सिलेक्टेड, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ थ्री बॉयज एंड थ्री गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम फाइव बॉयज एंड फोर गर्ल्स, फ्रॉम फाइव बॉयज एंड फोर गर्ल्स। तो सॉल्यूशन में देखो, बॉयज कितने हैं 5, गर्ल्स कितनी है 4, बॉयज में से कितने सिलेक्ट करने हैं 3, गर्ल्स में से कितने सिलेक्ट करनी है 3, और मैंने बताया जहां सिलेक्शन आता है सिलेक्शन वहां क्या है कॉम्बिनेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन, तो इन देयरफॉर नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ टोटल वेज, टोटल वेज कैसे आएगा, 5 में से 3 सिलेक्ट करना है 5C3 मल्टीप्लाई 4 में से 3 4C3, ये इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ऊपर 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल 2 1 जा 2 2 जा, तो 10 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल को 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, तो मल्टीप्लाई 4 यानी 40 आपके पास आंसर है। क्लियर है। क्वेश्चन 5th, क्वेश्चन 5th कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड, फ्रॉम 6 रेड 5 वाइट 5
वाइट एंड फाइव ब्लू बॉल्स, फाइव ब्लू बॉल्स. इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ, इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ थ्री बॉल ऑफ ईच कलर, थ्री बॉल्स ऑफ ईच कलर. वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जैसा अभी हमने किया. क्या क्वेश्चन था आपके पास? टोटल नाइन सिलेक्ट करनी है. रेड कितनी है? रेड है सिक्स, व्हाइट फाइव, ब्लू फाइव. थ्री इनमें से सिलेक्ट करनी, थ्री इनमें से और थ्री इनमें से. तो कैसे सिलेक्ट होंगी? टोटल वेज इक्वल टू सिक्स सी थ्री मल्टीप्लाई फाइव सी थ्री मल्टीप्लाई फाइव सी थ्री. सॉल्व कैसे करेंगे? सिक्स फैक्टोरियल सिक्स माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई फाइव फैक्टोरियल फाइव माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई फाइव फैक्टोरियल फाइव माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल. फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सिक्स फैक्टोरियल सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री फैक्टोरियल अपॉन सिक्स माइनस थ्री थ्री फैक्टोरियल इंटू दूसरा थ्री है उसे खोल दो, थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, थ्री फैक्टोरियल से थ्री कैंसिल, थ्री टू जा सिक्स कैंसिल, फाइव फोर जा ट्वेंटी मल्टीप्लाई सेकेंड फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री फैक्टोरियल अपॉन फाइव माइनस थ्री टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल होता है टू इंटू वन मल्टीप्लाई थ्री फैक्टोरियल कैंसिल, टू वन जा टू टू जा फाइव टू जा टेन तो मल्टीप्लाई टेन मल्टीप्लाई थर्ड सेम ऐसे यही आएगा तो फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री फैक्टोरियल अपॉन टू मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई थ्री फैक्टोरियल कैंसिल टू जाए टू टू जाए यानी मल्टीप्लाई में टेन. तो टू तीन जीरो टू थाउजेंड आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया. आसान है. क्वेश्चन देखना बेटा सिक्स. डिटरमाइन द नंबर ऑफ फाइव कार्ड कॉम्बिनेशन. पांच कार्ड कॉम्बिनेशन चाहिए आपको. कितने में से? 52 में से. और हर बार जब भी आए एग्जैक्टली वन एश, एक एश यानी इक्का तो होना ही चाहिए. ये क्वेश्चन है. सॉल्यूशन, टोटल कार्ड कितने हैं? टोटल है आपके पास 52 कार्ड्स हैं. इनमें से सिलेक्ट कितने करने हैं? इनमें से सिलेक्ट करने हैं आपको फाइव कार्ड सिलेक्ट करने हैं. स्पेशल क्या है कि फाइव में वन जो है वो एश होनी चाहिए तो फोर कार्ड्स जो है वो अदर कार्ड होने चाहिए. तो 52 में एशेस कितनी है? फोर एश, फोर इक्के हैं. बाकी कितने कार्ड बचते? 48 कार्ड्स बचते हैं. तो फोर में से वन सिलेक्ट करना है और 48 में से फोर सिलेक्ट करने हैं. क्वेश्चन समझ में आया? आपके पास टोटल कार्ड्स, आप इसे ऐसे लिख सकते हो टोटल कार्ड्स 52, नंबर ऑफ एशेस, नंबर ऑफ एशेस 4, नंबर ऑफ देयर फॉर नंबर ऑफ अदर कार्ड, अदर कार्ड्स 48. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर फाइव कार्ड कॉम्बिनेशन, फाइव कार्ड कॉम्बिनेशन में फोर में से वन होगा, 4c1 मल्टीप्लाई 48c4, 48 में से 4 हो जाएंगे. ये आपके पास अभी से आप सोल्व करोगे. 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 48 फैक्टोरियल, 48 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. तो 4 फैक्टोरियल से तो 4 फैक्टोरियल ही कैंसिल हो गया, बाकी बचा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 का तो 1 ही है. ऊपर 48 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 44 फैक्टोरियल और नीचे 48 माइनस 4 44 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल. 3 फैक्टोरियल को 3 टू जा 6 कर देंगे हम, तो 3 टू जा 6 से कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन ये 48 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2, 2 से कैंसिल 23, 3 से कैंसिल 15,
तो आंसर आपके पास क्या रह गया, 48 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 15, तो इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लेना, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 7। इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए, क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल, पांच प्लेयर ही बॉल फेंक सकते हैं। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। देखो टोटल हमें सेलेक्ट करना 11 को, कितने में से 17 में से। सॉल्यूशन पहले आप यही ध्यान दिया करो, 17 है उनमें से 11 को सेलेक्ट करना है, लेकिन पांच प्लेयर बॉल कर सकते हैं 5, तो बाकी कितने बचते हैं 12 फॉर बैटिंग। 5 में से कितना सेलेक्ट करना है, 4 बॉलर ही चाहिए, तो 5 में से 4 चाहिए, तो 11 होने के लिए बाकी कितने चाहिए, 7 चाहिए। वो कहाँ से चाहिए, बैटिंग वाले में से चाहिए। तो ये फिगर बढ़ाना तुम्हें आना चाहिए, 11 में से 17 में से 11 चाहिए, लेकिन 5 में से 4, 12 में से 7, तो टोटल प्लेयर्स 17, बॉलर 5, देयरफॉर बैट हु कैन बैट, प्लेयर्स हु कैन बैट, ऐसे लिखेंगे प्लेयर्स हु कैन बैट, जो बैटिंग कर सकते हैं 17 माइनस 5 यानी 12। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू सेलेक्ट 4 बॉलर्स आउट ऑफ 5 एंड रिमेनिंग कितने 7 फ्रॉम 12। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 5 में से 4, 5 से 4 मल्टीप्लाई 12 में से 7, 12 से 7, ये आपका आंसर है। इसे सिंप्लीफाई कर लो तो कैसे हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई ऊपर 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 7 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 कैंसिल, यहां करते हैं ऊपर 12 है तो 12 को लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल। नीचे 4 फैक्टोरियल को 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से 7, 4 2 जा 8 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा, तो 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 आपका आंसर है। 1320 इंटू 3960 आपका टोटल आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 8। ए बैग कंटेनिंग 5 ब्लैक बॉल कितनी है 5 एंड 6 रेड है 6, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड। अ बैग 2 रेड 2 ब्लैक 3 रेड, तो इसमें से 2 और इसमें से 3,
A bag containing 5 black, 6 red, determine the ways in which 2 black, 3 red balls selected. तो solution कैसे आएगा? Solution आएगा 5 में से 2 select करनी है, तो 5C2 multiply 6C3. इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, ऐसे यहाँ पे 6 है तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1. इससे ये कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, बचता है 2 1 जा 2 2 जा, तो ऊपर 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 5 4 जा 20, 20 इंटू 10 200 आपका आंसर है. क्वेश्चन 9 क्या कहता है? क्वेश्चन 9 समझो. इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स. आप स्कूल में गए, आपको 5 कोर्सेज चूज करने आउट ऑफ 9 कोर्सेज, 9 कोर्सेज थे उनमें से आपको 5 कोर्सेज चूज करने हैं. आर अवेलेबल 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी, 5 में से जो 2 कोर्सेज हैं वो कंपलसरी हैं, तो 9 में से जो 2 कोर्सेज हैं वो कंपलसरी हैं एज इट इज, इनमें कोई चॉइस नहीं है. तो आपको कितने चूज करने हैं? 3 कोर्सेज आउट ऑफ 9 में से 2 कंपलसरी थे, 7 कोर्सेज, 7 में से 3 चूज करने हैं. तो आंसर हो जाएगा 7C3, 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. इससे ये कैंसिल, 3 2 जा 6 7 5 जा 35 आपका आंसर है. क्लियर है?